बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? मेकअप कर रही हूँ माँ जी। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह मेकअप करके कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, मैं अपनी सहेली की शादी में जा रही हूँ। अरे बहू, मैं तो तुम्हारे आने जाने के खर्चे से ही कंगाल हो गई हूँ। अभी तुम 4 दिन पहले ही तो गई थी। ऐसा करो, तुम जाना रहने दो, सहेली की शादी तो तुम्हारे बिना भी हो जाएगी। अरे माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरी शादी में 8 दिन तक रुकी थी और अब मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगी तो वो बुरा मान जाएगी। मैंने मना कर दिया ना, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। फिर भी नहीं मानोगी और अपने मन की करोगी तो मैं तुम्हें जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगी। देखो माँ जी, आपके मायके में आपकी सहेली के यहाँ कोई भी काम आता है तो आप 4 दिन पहले ही चली जाती हैं और मैं केवल 1 रात के लिए जा रही हूँ तो भी आप मना कर रही हैं। माँ जी, आप ये हमारे साथ बहुत गलत कर रही हैं। देख लड़की, तू 4 किताबें पढ़ के आई है तो ये मत सोच कि तू मेरी सास हो गई और फिर तू मुझे सिखाएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। आने दे मेरे बेटे को, आज तेरी सारी हड्डियाँ तुड़वा दूंगी। क्या हुआ माँ, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ा कर रही हो? देखो तो बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। अरे बेटा, मोहल्ला तो क्या, पूरा देश भी इकट्ठा हो जाए तो भी मैं इस लड़की से डरने वाली नहीं हूँ। देख तो, ये रोज रोज मुझसे जवान लड़ाती है और तू इसे कुछ भी नहीं कहता, कहीं तू उससे डरता तो नहीं है? अरे सुनीता, तूने माँ से ऐसा क्या बोल दिया जो इतना गुस्सा कर रही हैं और इतना चिल्ला चिल्ला के पूरा मोहल्ला जमा कर दिया है? देखो जी, मैं अपनी सहेली की शादी में जा रही थी तो माँ जी ने बोला, देख बहू, तेरे रोज रोज के खर्चे से हम कंगाल हो जाएंगे। तब मैंने बोला कि माँ जी, आप अपने मायके में आपकी सहेलियों के यहाँ कुछ काम होता है तो 4 दिन पहले चली जाती हैं और मैं केवल 1 रात के लिए जा रही हूँ तो भी इतना बोल रही हैं हम कंगाल हो जाएंगे। माँ जी, आप हमारे साथ ये गलत कर रही हैं। बस इसी बात पर उन्होंने बहस खड़ी कर दी और चिल्ला रही हैं, नमस्कार मेरी सभी माताओं बहनों को, बहू भी किसी की लाडली बिटिया होती है, अगर उसके मायके में कुछ काम आता है उसे भेज देना चाहिए, नहीं भेजने पर रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। और मैं सभी बहनों से भी यही अपील करूंगी कि सास भी हमसे उम्र में बहुत बड़ी होती है और उन्हें ऊंच नीच का सब कुछ ज्ञान होता है, अगर वो गुस्से में आकर कुछ बोल भी देती हैं हमें छोटा होकर सुन लेना चाहिए, ऐसा करने से रिश्तों में दरारें नहीं पड़ेंगी और परिवार हंसी खुशी चलता रहेगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।